हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनेशा फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन पेपर जो हमारा कंडक्ट हुआ था 9th ऑफ मार्च को। ये आपकी लास्ट डेट का एग्जामिनेशन था, ठीक है, 9th ऑफ मार्च को 2020 में। एंड ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं शिफ्ट वन का पेपर, ठीक है। कौन सा सेट है? तो ये हमारा सेट नंबर 16 है। और इससे पहले मैं आपको 15 सेट सारे पूरे डिस्कस करा चुका हूँ और आपको इस चैनल पे सारे या उसके सेक्शंस के सारे सीजीएल के सेक्शंस के आपको वीडियोस सॉल्यूशन जो है वो सारे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे इन अ वेरी ल्यूसिड मैनर। तो आप उन्हें जाके जरूर देख लें। और ये आपको इससे पहले 15 सेट्स डिस्कस किए जा चुके हैं, तो आई होप कि आपने वो सारे देख लिए होंगे। उसमें अगर कोई डाउट होता है तो आप फटाफट से पूछ लें। आप टेलीग्राम चैनल हमारा जो है उसको ज्वाइन कर लेंगे डिस्क्रिप्शन से, तो वहाँ पे आप डिस्कशन वाले सेक्शन में जाके ना आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी तरीके का तो वो जाके आप वहाँ पर पूछ सकते हो, क्लियर है। खैर, अब हमारी जो भी सीरीज चल रही है वो जाके आप प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। हम यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बाकी सारी सीरीज़ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। जैसे सीजीएल टियर टू के लिए हो गई अपनी वोकैबुलरी ट्रिक्स हो गई, जीके पॉइंटर्स हो गए, है ना, वो सारे आप देख लेना। खैर, अब देखो फटाफट से हम क्या करने वाले हैं, अपने क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जिन बच्चों की स्पीड ज़्यादा है, मतलब जिन्हें अपनी फास्ट स्पीड में समझ में आ जाता है, वो क्या करेंगे, नॉर्मल स्पीड से थोड़ी सी 1.2x में कर लेना। इससे आपका क्या होगा, टाइम भी आपका थोड़ा सेव हो जाएगा, ठीक है, अपने टाइम की कीमत समझें। और यह है आपका क्या है, 1.2 या 1.5x में आप अपना रख के देख लेना, जितना भी आपको अंडरस्टैंडेबल हो, कंफर्टेबल हो। और जिन बच्चों को अपना आराम से समझ में आता है, जो बच्चे मुझे बोलते रहते हैं कि सर मुझे थोड़ा सा फास्ट समझ नहीं आता है, थोड़ा आराम आराम से ही समझ में आता है, वो अपना नॉर्मल स्पीड में देखेंगे और वो क्या करेंगे, मेरे वर्ड्स पर ध्यान देंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए वर्ड्स पर ध्यान देना। और सारे बच्चे अपनी नोटबुक और पेन उठा लेना, ये नहीं कि आप यहाँ पर अपना भागवत सी देखो और उसके बाद चल दो, ठीक है। नोट और पेन उठा लेना, जहाँ पर मैं बोलूँगा वो आपको नोट करना ही करना है। अब देखो, अब हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं पेन को थिन कर लेता हूँ, देखेंगे हमें क्या बोला है। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपियरिंग फ्रॉम ऑल द स्टेट्स इन द ईयर 1997? ओके, 1997 में अपियरिंग वाले सारे स्टेट से, मतलब ये सारा हमें एडिशन देखना है। तो ये तो अपना 0 0 आ जाएगा, इसके बाद में ये कितना हो जाएगा, तो 11 वन कैरी आ जाएगी। ओके, ये हो जाएगा अपना कितना, 26, 26 प्लस 1 27। ओके सॉरी, ये 12 हो जाएगा आपका, है ना। तो 272 00 अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। इसमें तो कोई अपना रॉकेट साइंस है ही नहीं, सीधा एडिशन करना है, समझ में आ गया सबको, क्लियर है। आगे बढ़ जाओ हमें, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अब ये देखो, ये क्या है, मैंने आपको हर क्वेश्चन के नीचे उसके सॉल्यूशन की पीडीएफ में बड़े इनोवेटिव तरीके से हर क्वेश्चन के नीचे उसमें आपको सॉल्यूशन की जो भी सॉल्यूशन है वो डिटेल्ड सॉल्यूशन पीडीएफ के साथ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जैसे कुछ पॉइंट हो गया सॉल्यूशन का, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो वो पॉइंट नोट करा के आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी आपके एग्जाम से पहले, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको रिवाइज़ करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, आप आराम से रिवाइज़ कर सकते हो। एंड क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं फटाफट से। देखो क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास है कि रवि स्कोर्स 72% मार्क्स इन एन इन एग्जामिनेशन, ओके, इफ दीज आर 360 मार्क्स। ओके, क्या बोल रहा है हमसे कि 72% जो है ना उसकी वैल्यू 360 मार्क्स है। ओके, कितनी है ये अपनी, 360 है। तो मैक्सिमम मार्क्स क्या होंगे, ओके, मैक्सिमम मार्क्स तो 100% ही होंगे। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 360 अपॉन 72 इंटू में 100। अब देखो 72 का कितना होता है, 100, 5 टाइम्स होता है, तो सॉरी 360, तो 72 5 जा 360, और 5 इंटू 300 कितना हो जाएगा, तो ये अपना 500 निकल के आ जाएगा। मतलब टोटल मार्क्स कितने हैं अपने, 500 हैं, क्लियर है मेरी बात, समझ में आ गया सबको। हाँ भाई, ये बात समझ में आ गई होगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। अगर आपका देखो छोटे से छोटा भी डाउट है ना, तो वो आपको क्लियर कर लेना चाहिए टाइम रहते हुए, तभी आपका एग्जामिनेशन में क्या है, चीज़ें निकल के आ पाएंगी। खैर, क्वेश्चन नंबर अपना 3rd समझेंगे ध्यान से। क्या है हमारे पास कि एक्स और वाई 2 स्टेशन हैं, ओके, लेट से मेरा ये एक्स स्टेशन है, ये वाई स्टेशन है, ठीक है, ये एक्स स्टेशन है, ये वाई स्टेशन है, जो 280 किलोमीटर अपार्ट है, ठीक है। ये 280 किलोमीटर मैंने बना दिया, 280 किलोमीटर क्या है, ये दूर दूर है। अब एक ट्रेन स्टार्ट होती है किसी टाइम पर एक्स से, ठीक है भाई, लेट से ट्रेन नंबर ए स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और इसकी ये वाई की तरफ जाती है, वाई की तरफ ट्रैवल करती है, कितनी, 60 की स्पीड से, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है ये वाली ट्रेन, क्लियर है। अब क्या हो रहा है, आफ्टर 2 आवर्स अनदर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम वाई एंड ट्रैवल टूवर्ड्स एक्स एट 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, वाई की साइड से अब आपकी लेट से बी वाली ट्रेन आ रही है, और ये एक्स की साइड आ रही है कितने, 20 किलोमीटर पर आवर से। ओके,
अब क्या बात है, ये वाली जो ट्रेन स्टार्ट हुई है ये 2 घंटे के बाद हुई है, यानी कि ये वाली ट्रेन 2 आवर्स चल चुकी है, उसके 2 आवर्स के बाद हुई है ये। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख लेता हूँ, आफ्टर 2 आवर्स, ठीक है, कोई इशू है यहाँ पे किसी को? अब देखो, आफ्टर हाउ मैनी आवर्स डज द ट्रेन लीविंग फ्रॉम एक्स मीट्स द ट्रेन विच लेफ्ट फ्रॉम वाई। ओके, ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में, समझना बात को ध्यान से। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि एक्स वाली जो ट्रेन है ना, वो निकलने के बाद में, लीव करने के बाद में, एक्स से जो ट्रेन लीव हो रही थी, यानी कि ए वाली जो ट्रेन है वो स्टार्ट होने के कितने आवर्स के बाद बी से मिलेगी, ठीक है, ये बात है। तो अब समझना, ये क्या है, 2 आवर्स के बाद स्टार्ट हुई है ना बी वाली, तो एक बात बताओ, 2 आवर्स तक ये ए अकेली चली होगी इस पूरे ट्रैक पे, तो ये 2 आवर्स तक इन्हें कितनी डिस्टेंस कवर कर ली होगी, डिस्टेंस बाई ए इन 2 आवर्स, समझ रहे हो ना मेरी बात? तो देखो, 2 आवर्स में इसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली होगी, 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, यानी कि 120 किलोमीटर इसने कवर कर लिया होगा। तो अब हुआ क्या होगा, मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ। ये वाली जो ए वाली ट्रेन है, वो जो एक्स स्टेशन से आ रही है, ये क्या होगी आपकी, यहाँ पर पहुँच गई होगी 2 आवर्स में, और जो आपकी वाई से चलने वाली ट्रेन है वो बस अब स्टार्ट होगी, ठीक है, ये आपका 120 किलोमीटर ट्रेवल करके आ गई है, ठीक, क्लियर है। अब देखो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी बचती है, तो 280 में से आप 120 हटा दो तो कितना बचेगा, 160 बचेगा, यानी कि अब ये जो बीच का 160 किलोमीटर है ना, ये 160 किलोमीटर अब ट्रैवल करना है इन ये दोनों ट्रेन आ रही हैं, अब ये वाली यहाँ से आ रही है, ये वाली यहाँ से आ रही है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, दोनों की ऐड हो जाएगी, तो 60 इसकी स्पीड है और 20 इसकी स्पीड है, यानी कि दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी, समझ गए सारे के सारे? तो मतलब ये दोनों कितने टाइम के बाद मिल जाएंगी यहाँ पर कहीं, तो ये मिल जाएंगी आपकी 2 आवर्स के बाद। अब हमें देखो ध्यान से बच्चों, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था, क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना, तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एक्स वाली जो ट्रेन है ना, वो 2 आवर्स पहले निकल चुकी है, यानी कि हमें क्या निकालना है, वो टाइम निकालना है कितने आवर्स के बाद एक्स वाली एक्स से जो ट्रेन निकली थी ना, वो मिलेगी वाई से। तो एक्स वाली ट्रेन देखो यहाँ ऑलरेडी 2 आवर्स चल चुकी है, ठीक है, फिर ये 2 आवर्स और चली आएंगे, तो एक्स वाली ट्रेन टोटल कितनी चल रही है अपनी, 4 आवर्स तक चली हुई है, यानी कि एक्स वाली ट्रेन अपने स्टेशन एक्स से जो निकली हुई है वो 4 आवर्स चलने के बाद में वाई वाली ट्रेन से मिल जाएगी, क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप अपना क्या करें, कमेंट सेक्शन है ही, उसमें जाके डाउट्स को पूछेंगे, ठीक है, क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए, इसे हटाता हूँ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास में क्या है, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल एबीसी, ओके, थीटा इक्वल टू 80 डिग्री है, तो अपना ये थीटा कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा, एंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द अदर टू एंगल्स विल बी, ओके, हमें ये अदर टू एंगल्स निकालने हैं, ठीक है, लेट्स से ये आपका एक्स है, अब ये देखो ये वाली साइड 3 है, ये वाली साइड 3 है, मतलब कि इनकी अब ये दोनों साइड तो इक्वल होगी, मतलब इनके अपोजिट जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे, तो ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा। अब देखो बच्चों ये क्या हो गया, 80 + x + x इक्वल टू 180 डिग्री हो गया है ना, तो फिर आपका 2x कितना हो जाएगा, यहाँ से 100 डिग्री हो जाएगा, तो x कितना निकल के आ जाएगा, 50 डिग्री निकल के आ जाएगा, समझ गया कि नहीं समझ गए? एक्स कितना आ गया अपना, 50 डिग्री आ गया, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, हाँ कि नहीं, समझ गए? नेक्स्ट पे आता हूँ, ईजी सी बात थी ये तो, है ना, कि तीन ट्राइंगल के जो 3 एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा देखते हैं क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल 45 डिग्री। अच्छा अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे एक कोई आपका पूरा सर्कल है, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेना, इससे आपका सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब जैसे ये जो पूरा सर्कल है इसमें बेसिकली क्या होता है, 360 डिग्री का हो गया ये पूरा सर्कल की नहीं हो गया, ठीक है, तो बेसिकली जो सर्कल का एरिया होता है ना वो क्या होता है, 360 डिग्री आउट ऑफ 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर, तो क्या हो जाता है, ये तो 1 हो जाता है, इसलिए हम इसको लेते नहीं है। लेकिन अब देखो कभी भी अगर मैं बोलूँ आपसे ये है, ये वाला मुझे एंगल चाहिए और इसका एंगल कितना है, 45 डिग्री है, मुझे बस इतने इतने का एरिया चाहिए, तो मुझे कितना है, कितने का एरिया चाहिए, देखो ये कितना है, 45 डिग्री है ना, तो मुझे 45 का एरिया चाहिए आउट ऑफ 360 एंड इंटू में पाई, और अपना रेडियस कितना दिया हुआ है, फटाफट से बोलो, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। अब देखो मैं कभी भी कुछ पूछता हूँ ना आपको, जहाँ भी बैठे हो ये नहीं सोचना कि मैं सामने नहीं हूँ, आपको फटाफट से वहाँ पे बैठे हुए आंसर देना है, क्लियर है मेरी बात, ठीक, चलो आगे बढ़ता हूँ। अब देखो ये क्या करूँगा, मैं 9 से कैंसिल करता हूँ, 9 5 ज़ा 9 4 ज़ा 40, अब ये कितना जाएगा, 5 8 ज़ा, तो 8 तो अपना ये आ गया,
7 2 14, अब 2 से ये चला गया 4 टाइम्स, फिर 2 से ये चला गया 7 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, फिर 2 से ये चला गया 11 टाइम। कितना आ गया 11 × 7, यानी कि कितना निकल के आ गया ये अपना 77 सेंटीमीटर स्क्वायर ना, क्योंकि अपना क्या है ये सेक्टर का एरिया है। अब ये जो छोटा सा निकल के आया ना ये अपना बोलते हैं इसको हम सेक्टर। अगर हमसे बोल दिया जाए इस सेक्टर का मुझे मेजर मेजर अर्क जो बन रहा है ना उसका एरिया बता दें मेजर सेक्टर का, तो हम इतने का निकाल लेते हैं ना, क्लियर है। तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना आंसर हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊँ, बात समझ में आ गई सारी सारी की नहीं आ गई, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा सॉल्व कर लोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या गिवन है देखेंगे, द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दैट क्वालिफाइड फ्रॉम ऑल द स्टेट्स टुगेदर इन 1998 इज अप्रॉक्सीमेटली वॉट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दैट क्वालिफाइड फ्रॉम ऑल द स्टेट्स टुगेदर इन 2001, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि हमारे जो कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं ना 1998 में, वो कितना परसेंटेज हैं उन कैंडिडेट्स के जो क्वालिफाई हुए हैं 2001 में, ठीक है। तो देख लो 1998 में कितने लोग क्वालिफाई हुए हैं, इतने लोग हुए हैं, ऐड कर लेते हैं इनको फटाफट से, ठीक है। अब इसे मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ सो दैट हमको प्लेस मिल जाएगा, ठीक। ये देखो ऐसा मैंने ऊपर कर दिया है। अब देखो अब क्या करने वाले हैं हम, 1998 वालों को ऐड कर देते हैं, ये है अपने 1998 वाले, ठीक है, ऐड करते हैं इनका क्वालिफाई करने का। तो ये तो आ जाएगा अपना 0 और 8 5 2 9 4, यानी कि 9, और अपना ये कितना आ जाएगा 9 0 0 और 2, यानी 1 कैरी, और यहाँ पर 2, फिर 1 1 2 3 1 कैरी, 4 2 9 0, ठीक है। अब ये तो क्वालिफाई हो गए 4 2 9 0, अब 2001 के देखने हैं, ये 2000 वाले और ये 2021 वाले क्वालिफाई के, ठीक है, ये हैं। अब देखो इनको ऐड करते हैं, 2001 के क्वालिफाई हैं ये 5, और ये अपना तो फिर एक सेकेंड अपियर्ड, अपना ये 1998 का था, ये 1999 का है, ये 2000 का है, अच्छा ये है 2001 का, सॉरी। अब ये देखो ये कितना हो जाएगा 5 और 5 10 हो जाएगा, 1 कैरी आ जाएगी, 2 2 4 5 9 और 18 और एक 9 आ जाएगा कैरी वाला, तो ये हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पर आ जाएगा 3 और फिर 1 2 3, एक कैरी आ जाएगी, 4 3 9 0, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है कि 4 2 9 0 कितना परसेंटेज है 4 3 9 0 का, तो बस इसके नीचे आप क्या करोगे 4 2 9 0, इसके नीचे डाल दो 4 3 9 0, ठीक है। यही तो पूछा हुआ है 1998 वाले कितना परसेंटेज है 2001 का, तो इनटू में 100, 0 से आप 0 काट दोगे, इक्वल टू में कितना आ जाएगा 4 2 9 0 0 अपॉन में 4 3 9, ठीक है। इससे कट करेंगे, देखो 4 3 9 से कट करते हैं इसको सीधा सीधा, 9 टाइम्स जाएगा ये, ठीक है, हाँ 9 टाइम्स जाएगा, 4 39 9 जा कितना हो जाएगा 3951 होता है, ठीक है 3951। अब आप 4 2 9 0 से 3951 को हटाओगे आएगा कितना, आएगा ये 933, यानी 339 आएगा, और इसमें 0 लगा दोगे तो 439 फिर आपका 7 जाएगा, ठीक है। तो ये 97 पॉइंट कुछ आएगा, आप ऑप्शन में देखोगे तो 97 का एक ही ऑप्शन दिखेगा, उसे आप टिक कर देना, आगे बढ़ जाना। अगर आप पॉइंट के बाद और देखना चाहो तो पॉइंट के बाद फिर से देख लेना, ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपल सी थोड़ी सी कैलकुलेशन है आगे की, ये आप आराम से माइंड में भी कर सकते हो, ज़्यादा कुछ इशू नहीं है। नहीं तो आप जाके थोड़ा सा इधर उधर थोड़ा इसे ना क्या करना है आपको, ये मान लेना 440, इसे मान लेना 430, तो आपको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, है ना, अप्रॉक्स में वैल्यू आ ही जाएगी, क्लियर है। चलो मैं नेक्स्ट पे आ जाऊँ क्वेश्चन नंबर, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे, क्या है अपने पास में कि 6 tan थीटा माइनस का 5 √3 sec थीटा प्लस का 12 cot थीटा इक्वल टू 0। अब देखो ऐसे कभी भी क्वेश्चन में मैंने आपसे क्या बताया हुआ है, आपको सबसे पहले तो रख के देखना है थीटा इक्वल टू 45, तो डालो यहाँ पे थीटा 45, ये 6 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। अब भैया रूट तो ये तो कैंसिल हो ही नहीं पाएगा, ये तो 12 और 6 हो गया, मतलब थीटा इक्वल टू 45 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। फिर आप थीटा इक्वल टू 30 डिग्री डाल के देख लो, 30 डिग्री डालने का मतलब है 10 की यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी, तो 6 by √3, और मैं बस ये कॉट थीटा में डाल के देख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा प्लस में कितना 12 √3, यानी कि यहाँ से निकलेगा 2 √3 प्लस 12 √3, 14 √3 निकलेगा, 14 √3 यहाँ से निकलेगा, और ये आप अगर 30 डिग्री डालोगे तो sec 30 हो जाएगा अपॉन में 2, तो भैया आप काम बनेगा ही नहीं,
थीटा 30 और 45 तो कैंसिल। यहाँ पे अगर आप थोड़ा माइंड में ही सोचोगे तो आपको 60 डिग्री पहले ही पता चल जाता, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए क्या किया, इतनी सारी चीज़ें दिखा दी। फिलहाल थीटा अगर आप 60 डिग्री डालोगे तो यहाँ पे देखो थीटा 60 डिग्री डाला तो 6√3 माइनस का, अब सेक 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5√3 इंटू में टू क्लियर है, और प्लस में अपना 12/√3 ठीक है। तो ये तो आ गया 6√3 और ये आ गया माइनस का 10√3 और ये आ जाएगा प्लस का 4√3, 4√3 12 और 3/√3√3 हो जाएगा ठीक है। अब इसे देखो 6+4 10 और ये माइनस का 10√3 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये 0 इक्वल आ जाएगा। तो थीटा कितना आ जाएगा अपना 60 डिग्री आ जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया ठीक है। इसको ऐसे ही सॉल्व करना है, कभी भी मैंने आपको बता रखा है थीटा देखो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है 0 से 90 के बीच में, 45 देखो, 30 देखो, 60 देखो, लेकिन अगर आप माइंड में थोड़ा सा आप ना अवेयर होके करोगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे ना तो 45 से काम चलेगा ना 30 से काम चलेगा, 60 से चलेगा। अब क्यों, तो भैया देखो इसका रीज़न क्या था कि आपने यहाँ पे 30 डाल के देखोगे तो अपना ये 10 तो बन ही नहीं रहा है, और ऊपर से सेक 30 की डिग्री, सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3, तो 3√3 से √3 तो फिर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 10 ओनली। अब 10 ओनली बचेगा, यहाँ √3 √3 आ रहे हैं तो कैंसिल कहाँ से होंगे, नहीं होंगे। तो बस ऐसा हमें देखना था जिससे कि सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएं और ये 0 के इक्वल आ जाए, क्लियर है, ऐसे हमने समझा ये। तो एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई। अब थीटा देखो 60 डिग्री डालते हैं, कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू बोलो फटाफट से ठीक है, कॉसेक 60 डिग्री की होती है भैया 2/√3 प्लस में सेक 60 डिग्री की वैल्यू होती है 2, अभी ऑलरेडी हमने देखा था, ये आ जाएगा 2 कॉमन 1/√3 तो यानी कि 1+√3/√3 क्लियर है। अब देखो अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे रूट थ्री का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ। अब देखो आपने इतना निकाल लिया, आप अपना क्वेश्चन में देखो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन है क्या नहीं है, तो फटाफट से ऐसे केस में आपको रूट थ्री का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो फिर क्या करोगे आप, ये 2, अब ये √3 इस वाले ब्रैकेट में अंदर चला गया, तो ये √3+√3 × √3 कितना हो जाएगा 3, और अपॉन में ये √3 × √3 हो जाएगा 3, तो ये 2√2/3 × √3+3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो बच्चों फटाफट से। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं फटाफट से, ये देखो पूरा आपको सॉल्यूशन भी मैंने दे दिया है। खैर क्वेश्चन नंबर 8 को बच्चों ध्यान से समझना, यहाँ पे हमसे क्या बोल रहा है वो कि हमें ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना 4a+3b+2c, इसको स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर अपना हमें निकाल के देखना है। तो आपको पता होगा x+y+z का होल स्क्वायर क्या होता है, x+y+z का होल स्क्वायर किन किस किस को आता है बोलो भाई फटाफट से, जिस इसको आता है कमेंट में अपना बता देना कि हाँ भैया मुझे आते थे फॉर्मूले जो आपने पूछे हैं क्लास में। खैर अब हम इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या होता है ए स्क्वायर यानी कि 4a का होल स्क्वायर 16a² ठीक है, प्लस में बी स्क्वायर यानी कि 3b का होल स्क्वायर 9b² प्लस में सी स्क्वायर यानी कि 2c का होल स्क्वायर 4c² ठीक है, प्लस में फिर आपका आता है 2ab यानी कि 4 3 12 2 24 और ए बी, तो 24ab 2ab होता है ना, फिर प्लस में 2xy समझ लो ठीक है, अगर मैंने xy फॉर्मूला में रखा हुआ है। तो अब देखो ये हो जाएगा फिर 2yz यानी कि 3 2 6 2 12 और अपना bc ठीक है, और फिर कितना आ जाएगा ca को हम करेंगे यानी कि xz को करेंगे तो 4 2 8 2 16 और 16 के साथ में ca, तो ये कितना हो गया 16a² + 9b² + 4c² + 24ab + 12bc और प्लस का 16ca ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। वैसे इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी, मैंने तो आपको समझाने के पर्पज से इतना एक्सप्लेन किया, आपका ये 2 सेकंड का आंसर था, तो आप इसे फटाफट से करके आगे बढ़ना था आपको ठीक। चलो भैया इस क्वेश्चन पेपर में ना मैं आपको एक खासियत बता दूं, जैसा मुझे अभी तक देख के लग रहा है इसमें क्या है, कुछ क्वेश्चन हैं बहुत इजी जिन्हें आप अपना आराम से 2-3 सेकंड में बना के आगे बढ़ जाओ, कुछ क्वेश्चन हैं कैलकुलेटिव जिनमें आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो अगर आप पूरा अपना अवेयर होकर करोगे ना पेपर तो ये आपका 20 मिनट्स में आराम से हो जाएगा ठीक है। खैर क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या बोल रहे हैं, द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ  20% एंड 15% ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, 20% और 15% डिस्काउंट का सक्सेसिव निकालना है। तो देखो भैया सक्सेसिव क्या होता है, 20+15 और फिर हम इसमें से माइनस कितना कर देंगे, 20 × 15/100 अपॉन में बच्चों कितना 100 हो जाएगा ठीक है, और ये क्या है परसेंटेज में है डिस्काउंट, क्लियर है। तो अब देखो 20+15 कितना हो गया, 35 हो गया, माइनस कर देना 25 और 5 3 ठीक है, तो माइनस कर दो आप 3 कितना निकल के आ जाएगा, ये भी अगेन परसेंटेज में ही है, सक्सेसिव परसेंटेज जो निकाल रहे हैं हम, कितना आ जाएगा ये 32% आ जाएगा।
कौन से ऑप्शन में है भाई? ऑप्शन नंबर 3 में अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर समझ में आ गया तो बोलो हाँ। ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। देखो भाई अगेन अलजेब्रा से आपके भैया फॉर्मूले फॉर्मूले ही आ रहे हैं सीधे सीधे, कोई दिक्कत नहीं है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या फॉर्मूला होता है इसका? फटाफट से पहले तो फॉर्मूला बोलो मुझे, एक बार लिख के दिखा देता हूँ, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि सर क्या है कि सीधा सीधा कर देते हो। इसका होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3 AB और इनटू में ए प्लस बी। क्लियर है? अब मैं इसमें वैल्यूज़ डाल दूँ, किसी कोई परेशानी तो नहीं है? अब ये 12 का होल क्यूब माइनस का 3 इंटू में, अब मैंने बोला था ना 30 तक के स्क्वायर और क्यूब याद कर लेना, वो चीज़ अब यहाँ पे काम आएगी। लेकिन अब मैं इसमें आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का तरीका बताता हूँ। ये 12 क्यूब है, ये 12 है, यहाँ से आप 12 को कॉमन निकाल लो, ठीक है? ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं पड़ेगी आपको। ऐसे ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर तो सबको आता होगा ना, 144 होता है, 144 से माइनस कर दो 17 3 जा कितना होता है 51 है भाई, 51 होता है कि नहीं होता है? अब देखो मैं जब भी बोलता हूँ ना कैलकुलेशन बतानी है तो वहाँ पे आपको बोलना है मुझसे, ठीक है? 12 इंटू में 144 से 51 माइनस करो 93, ये कितना आ जाएगा 12 3 36, और ये 3 कैरी 12 9 जा 108, 108 में 3 ऐड कर दो 111 आ जाएगा। कौन सा है अपना? 1116 आंसर, ऑप्शन नंबर 2 है। क्लियर है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कैलकुलेशन आपको ऐसे ही करनी है, ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना, ठीक? लेकिन तब भी मेरी बात मान लो सब लोग, अभी 30 तक के स्क्वायर और क्यूब याद कर लो, आपको ना ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, चाहे रीजनिंग हो जाए, चाहे आपका CI का टॉपिक हो जाए, चाहे आपका मेंसुरेशन हो जाए, चाहे आपका अलजेब्रा हो जाए। अलजेब्रा में वो होता है ना जो x³ + y³ + z³ - 3 ABC वाला फॉर्मूला, उसमें इसका मतलब अच्छा यूज़ हो जाता है कभी कभी। खैर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे बोल रहा है कि इन द फिगर PA इज़ अ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, ठीक है? PA ये अपनी टेंजेंट है एक, ये देखो भाई टेंजेंट चली जा रही है आराम से, ठीक है? अब क्या है भाई, इफ़ एंगल POB बराबर 110 डिग्री, तो एंगल APO निकालना है। एंगल POB, अब मैं इसे जूम कर लेता हूँ, एंगल POB दे रखा है हमको 110। देखो ये एंगल अपने को दे रखा है 110 डिग्री, तो एक बात बताओ ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल कितना हो जाएगा? है भाई ये एंगल हो जाएगा अपना 70 डिग्री, कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। अब दूसरी बात, ये क्या है आपकी PA पर अपनी टेंजेंट है कि नहीं है? तो इसके ऊपर जब भी रेडियस होती है तो रेडियस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर जाती है, इसका मतलब ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है कि नहीं है? क्लियर है? अब देखो भैया ये एंगल 70 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये जो एंगल है आपका APO ये कितना हो जाएगा? 180 में से माइनस कर दो 90 - 70, ठीक है? कितना बचेगा? ये 20 बचेगा, तो अपना एंगल APO कितना आ गया? 20 डिग्री आ गया। भैया कोई ऑप्शन में है क्या 20 डिग्री? हाँ भैया ऑप्शन नंबर 2 में है, अपना ऑप्शन नंबर 2 टिक कर दो और आगे बढ़ जाओ। क्लियर है? बोलो हाँ। क्लियर है तो बोलेंगे हाँ, टिक। चलो क्वेश्चन नंबर में आते हैं हम, 12। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या दे रखा है, किसकी एज पूछी है? ए की एज पूछी है, ठीक है? एवरेज एज ऑफ ABC इज 20 ईयर्स, एवरेज एज ऑफ AB and C इज 20 ईयर्स, एंड दैट ऑफ द BC इज 25 ईयर्स, ओके? तो हमें आगे ए की जो एज है वो पूछी हुई है, ठीक है? फिलहाल देखो एवरेज एज A+B+C, अगर मैं बोलूँ A+B+C की एज का जो सम है वो कितना होगा? एवरेज है 20 और तीनों का अगर हमें सम लेना है तो ×3 कर देंगे, यानी कि कितना आ जाएगा? =60 आ जाएगा। अब बोल रहा है B और C की एज का सम कितना हो जाएगा? एवरेज है अपना 25, इंटू कर देना 2 से, क्योंकि B और C का दो लोगों का एवरेज है, और इक्वल टू ये हो जाएगा, वेट अ सेकेंड, ये हो जाएगा अपना 50, ठीक है? अब देखो भैया आप A+B+C की एज से B+C की एज माइनस कर दो तो कितनी आ जाएगी अपनी? ए की एज निकल गया आ जाएगी, तो ए की एज कितनी हो जाएगी? 60 में से 50 माइनस करो, 10 ईयर्स का है ए। इसमें वैसे इतना कुछ करना नहीं था, ये आप माइंड में कर सकते थे आराम से, ठीक है? तो इतनी रॉकेट साइंस नहीं लगानी, अपने कुछ क्वेश्चंस ना आराम से हो जाते हैं, उनको आराम से कर दिया करो, ठीक? इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ फटाफट से। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं भाई क्या है अपने पास। इन द राइट एंगल ट्राइंगल, ओके राइट ट्राइंगल है, वॉट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा? ओके भाई कॉसेक थीटा है ये, कॉसेक थीटा में हमें क्या चाहिए होता है? कॉसेक थीटा क्या होता है सबसे पहली बात? कॉसेक थीटा होता है अपना हाइपोटेनस अपॉन का परपेंडिकुलर। तो भैया इसका हाइपोटेनस तो 13 दे रखा है, परपेंडिकुलर भी दे रखा है, ओके 5 सेंटीमीटर अपना परपेंडिकुलर दे रखा है। तो भैया पता नहीं SSC ने क्या सोच के क्वेश्चन दे दिया, फिलहाल जो भी है बढ़िया है। हाइपोटेनस 13, परपेंडिकुलर 5, कौन सा ऑप्शन नंबर 3 अपना करेक्ट हो जाएगा? वैसे आपको पता है ना मैंने आपको बताया था कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स याद कर लेना, 5
के साथ में 13 हो तो तीसरा कौन सा होता है, 12 होता है, ठीक है। 5, 12 और 13 क्या होते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं, याद रख लेना ये बात, ठीक है। और भी हैं बहुत सारे, और हाँ मैं सबसे इंपॉर्टेंट बोलना चाहूँगा होता है आपका 20, 21, 29, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और मैं आपसे कम से कम 10 टाइम्स तो रिपीट कर रहा हूँ ये मैं, ठीक है, याद कर लो ये, बहुत भला हो जाएगा, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाएगा। अभी आपका ये ऐसा कोई क्वेश्चन आई थिंक CHSL का जो अभी एग्ज़ाम हुआ था ना आपका मार्च में, ये 16, 17 और 18 को, या फिर 17, 18, 19 को, उसमें से किसी एक शिफ्ट में आपके, एक नहीं दो शिफ्ट में सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ। खैर ये तो अपना आ गया, ठीक है, तो यहीं पे अपने लेक्चर को हम ख़त्म करते हैं आज का। ये हो गया हमारा पार्ट वन, इसमें हमने 1 to 13 के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, अब हम पार्ट टू लेके आएंगे, ठीक है। पार्ट टू हम कितनी देर में देखेंगे, कुछ 2-3 आवर्स के बाद देखते हैं, इवनिंग तक, ठीक है, 3-4 आवर्स के बाद ऐसा इवनिंग में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही हमारा पार्ट टू आता है, अगर नहीं किया अभी तक। और अगर आपको अच्छा लगा लेक्चर तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ में, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ भाई समझ में आ रही हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो फिलहाल आज लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करेंगे और पार्ट टू में मिलते हैं फिर। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, और हाँ COVID-19 से अपने आप को सेफ रखें, ठीक है, और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। तो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।